जी मेरा नाम जी हाजी मोहम्मद अनवर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। और सिख भाइयों नूं सत श्री अकाल, और हिंदू भाइयों नूं राम राम, ते क्रिश्चन भाइयों नूं हालेलुया। और अज ईद दा पवित्र त्यौहार, जिवें कि मजदूर सारा दिन मेहनत करके शाम नूं पैसों की उड़ीक रखदा ना, इस तरह ही रमज़ान दे 29 रोजे रख के अज इनाम लैण दा दिन है। अल्लाह की तरफों इनाम लैणा वा, इसलिए ईद उल फितर पढ़ी जाती है। हुण कई ऐसरे बंदे हुंदे ने गे जिहड़े रोजे नहीं रख सके, मजबूरी सी, बीमार सी, कोई सफर दे विच सी, अल्लाह ताला उन्हां नूं भी माफ करे। और बाकी ईद दा त्यौहार जिहड़ा मनाया जांदा वह आपसी प्यार वास्ते, भाईचारक वास्ते मनाया जांदा। जिवें दा पंजाब दे अंदर माहौल चल रहा, अल्लाह ताला इस माहौल नूं दूर करे और सारिआं दा प्यार इसे तरह ही बरकरार रखे। और बाकी अगर किसी तो भी कोई गलती हुई है, कोई कोताही हुई है, किसी की शान के खिलाफ कुछ कहा गया वा, तो उहदे लई असीं माफ़ी दे गुजारिश हाँ। और ईद दा त्यौहार सारे रल मिल के इसे तरह ही खुशी नाल मनाईदा वा। जिवें इमाम साहब ने दस्सिया, हिंदू भाइयों का दिवाली, रक्षाबंधन, इस तरह ही सिख वीरां दा विसाखी, गुरपुरब, और इस तरह ही मुस्लिम भाई दे मुस्लिम भाईचारे दे विच ईद उल फितर, ईद उल अधा यानी कि बकरा ईद, और इस ईद नूं मिठी ईद भी कहा जाता, सेवियां वाली ईद। बाकी सारिआं नूं मेरी तरफों ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद। ये ईद का दिन है, ईद की खुशी बहुत है। अल्लाह तबारक ताला ने रमज़ान के बाद, रमज़ान मुबारक का महीना तो पूरा हो गया है, उसके बाद एक दिन करता है खुशी, ईद उल फितर। ये खुशी है कि ईद की नमाज पढ़नी, तरावियाँ पढ़नी, रमज़ान रखने, उसके बाद खुशी हुई। अल्लाह तबारक ताला ने हर कौम के अंदर एक दिन रखा है खुशी का। हमारे मुसलमान भाइयों को ईद उल फितर दिया है, गैर मुस्लिमों में होली है, और ये रक्षाबंधन है, बैसाखी है, लोहड़ी है, पंजाबी भाइयों, सिख भाइयों के लिए लोहड़ी है, सभी के लिए धर्म में खुशी का एक दिन मुकर्रर किया है। इसीलिए अल्लाह तबारक ताला ने हमारे लिए ईद का दिन रखा है। साल में दो ईद आती हैं, एक ईद उल फितर और एक ईद उल अधा। और सभी भाइयों को ईद की खुशी है, और सभी को ईद की मुबारकबाद, सभी भाइयों को, सभी पंजाब वासियों को ईद की बहुत मुबारकबाद। हाँ सर, की नाम है? मेरा नाम है खुशीद अहमद। अज जड़ा ईद दा त्यौहार मनाया जा रहा है, तो की मैसेज लोगों नूं देना चाहते हो? ये बार है ना, ये साल में एक दिन आता है, रमज़ान का महीना एक महीना आता है, एक महीने के बाद अल्लाह से जो इस महीने में इबादत करते हैं ना, फिर जब ईद होती है खुशी का दिन होता है। तमाम आदमी इस्लाम के लिए, तमाम आलम के लिए, जो चरंदे परिंदे दुनिया में, जितना मशरक़ से लेकर मगरिब तक जितने इंसान हैं, इनके लिए अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि अल्लाह जहाँ भी इंसान रहे सलामत रहे, खुशी रहे, जिस मसलक से भी रहे, अल्लाह हमें आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद रखने की तौफीक अता फरमाए। और जो हमारे अल्लाह ने कुछ मुसीबतें वो इसी ईद के बरकत से हमें माफ़ कर दे। जो भी गुनाह ख़ता हो जाते हैं इंसान के, उनको अल्लाह तबारक व तआला माफ़ करे। बाकी मैं आप लोगों के सआदत से, आपके सआदत से, यहाँ खुसूसन इस इलाके की जो ये मस्जिद शरीफ मोहम्मद है, इनके लोगों के बहुत हम दिली शुक्रगुजार, तमाम मुसलमानों की तरफ से, जिन्होंने ये 1882 की बनी थी और 2009 तक, 47 से लेकर 2009 तक ये गैर आबाद रही, और इनकी फराग दिली से इन्होंने इस मस्जिद की बहुत हिफाजत की, और ये अमानत 2009 में हमारे मुसलमानों के हवाले कर दी। अब हमारा काम है, शेख भाइयों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, जो भी यहाँ के मोतबर बंदे हैं, चाहे छोटे से लेकर बच्चे तक, बच्चियों ने और बूढ़ियों ने, जो औरतों ने इसमें इसकी हिफाजत की, उनसे बहुत शुक्रगुजार हैं हम। तमाम मुसलमानों की तरफ से उनसे शुक्रगुजारी की दरख्वास्त करते हैं, अल्लाह उनके घरों को आबाद रखे जिस तरह इन्होंने इनकी हिफाजत की, और हमारे भी नए कदम चला दे, जो भी दिन यहाँ गुजरेंगे नेक चलेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलाम अलैकुम।